हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरके क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 5.5 का क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्या है हमारा। देखो, सिंपली क्या दिया हुआ है, इफ़ यू वी एंड डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, एक्स के हमें फंक्शन कितने दे रखे हैं, यू वी एंड डब्ल्यू। देन सो दैट डी अपॉन में डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू। ओके, ये किसके बराबर आएगा, यू का डिफरेंशिएट वी डब्ल्यू एज इट इज़ प्लस यू वी का डिफरेंशिएट डब्ल्यू एज इट इज़ प्लस यू वी डब्ल्यू का डिफरेंशिएट। ओके, तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ। अब इनको दो तरीकों से करना है। पहला हमारा क्या है, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। ओके, जो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, यानी कि यू वी का डिफरेंशिएट वी एज इट इज़ यू एज यू का डिफरेंशिएट, वो वाला फॉर्मा। ओके, सेकेंड क्या है, लॉगरिथम, जो इस चैप्टर में है। ओके, तो फर्स्ट करेंगे हम किसका, प्रोडक्ट रूल से। ओके, तो देखो वाई मेरे को क्या है, अगर इसको लैड करूँ मैं, वाई इक्वल क्या है मेरा, U, V एंड W, ये गिवन है मुझे। ओके, अब देखो क्या करना है, हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। ओके, तो प्रोडक्ट रूल देखो रूल क्या होता है हमारा, U, V इसका अगर डिफरेंशिएट करना होता है तो क्या होता है मेरा, सिंपल U का डिफरेंशिएट V एज इट इज प्लस V का डिफरेंशिएट U एज इट इज। ओके, अगर यही चीज़ अब मेरे तीन टर्म में आ जाए, U, V, W, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, इसका डिफरेंशिएट, ये दोनों उस टाइम पर एज इट इज़ रहेंगे। फिर नेक्स्ट वी का डिफरेंशिएट उस टाइम पर, ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या, डब्ल्यू का डिफरेंशिएट एंड देन ये दोनों एज इट इज़। तो एक बार लिख देता हूँ, यू का डिफरेंशिएट वी एंड डब्ल्यू एज इट इज़, वी का डिफरेंशिएट यू एंड डब्ल्यू एज इट इज़। ओके, प्लस डब्ल्यू का डिफरेंशिएट यू एंड वी एज इट इज़। तो ये होता है मेरा मेन फॉर्मूला। तो देखो वाई हो गया, अब क्या करेंगे, अप्लाई प्रोडक्ट रूल। ओके, तो देखो हमें क्या मिलेगा, अब देखो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, पहले डिफरेंशिएट करना है तो वाई का डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ओके, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो देखो वाई का डिफरेंशिएट क्या होगा मेरा, डी वाई अपॉन डी एक्स, सिंपल। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट ये दोनों एजिट, तो देखो डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वी डॉट डब्ल्यू एजिट इज रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप प्लस किसका आ जाएगा, यू एज इट इज़ वी का डिफरेंशिएशन, डी वी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू मेरा एज इट इज़ प्लस। नेक्स्ट किसका हो जाएगा, डब्ल्यू का डिफरेंशिएट डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स एंड यू एंड वी मेरे एज इट इज़। ओके, तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखो इसको थोड़ा सा, अब देखो वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, यू वी डब्ल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स। ओके, अब इसको देखो, डी यू अपॉन डी एक्स वी डॉट डब्ल्यू, ये सही है प्लस। नेक्स्ट मेरा यू डॉट डी वी अपॉन डी एक्स डॉट डब्ल्यू प्लस, अगला क्या आ जाएगा, यू डॉट वी डॉट डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, सिंपल अरेंज किया उसको। ओके, और यहाँ वाई की वैल्यू पुट की है, तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब मैच कर सकते हो, देखो ये क्या मेरा, डी यू वी डब्ल्यू डी यू वी डब्ल्यू। ओके, नेक्स्ट क्या है, यू का डिफरेंशिएट बाकी दोनों एज इट इज, यू का डिफरेंशिएट यू वी डब्ल्यू एज इट इज़, सेम ये टर्म एंड ये टर्म। ओके, नेक्स्ट अब इसी को प्रूव करना है कैसे, सेकेंड स्टेप क्या यूज़ करना है हमें, बाय लॉगरिथम, बाय लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। ओके, अब देखो नेक्स्ट में क्या करना है, सेम वाई इक्वल क्या है मेरा, यू वी एंड डब्ल्यू। ओके ओके, अब विजिबल है, हाँ, तो वाई लॉगरिथम क्या करेंगे, वाई हमने सिंपल लेट किया, अब देखो क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब तो ये समझ आ गया होगा कैसे करना है ना, इजी है, तो क्या करेंगे, लॉग वाई इक्वल इधर क्या आ जाएगा, लॉग यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू, ये आएगा टर्म। अब देखो अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो क्या आएगा, लॉग वाई। अब यहाँ देखो एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्या लॉग यू हो जाएगा ये प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू, ये पढ़ा होगा ना आपने, जैसे होता है मेरा लॉग ए बी, ये किसके बराबर होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये मैंने पहले भी बताया और काफ़ी क्वेश्चन में हमने ये यूज़ भी किया है, तो सिंपली इसका टर्म क्या आ जाएगी, ये। ओके, अब देखो नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको क्या आएगा, लॉग वाई इक्वल क्या था, लॉग यू प्लस लॉग वी एंड प्लस लॉग डब्ल्यू। ओके, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट
बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके तो देखो लॉग वाई का डिफरेंशिएट वन अपॉन वाई। ओके वाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। ओके इक्वल यहाँ देखो लॉग यू का डिफरेंशिएट वन अपॉन यू और यू का डी यू अपॉन डी एक्स। सिंपल प्लस सेम इसका क्या आएगा वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स। सेम प्लस इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन डब्लू डब्लू का हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। सिंपल ओके अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है y को इस तरफ लेके जाना। ओके तो ये क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई की मल्टीप्लाई देखो ये हो जाएगा वाई अंडर रूट वन डब्लू सॉरी यू है ये डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन वी डी वी वाई डी एक्स प्लस वन बाय डब्लू डी डब्ल्यू वाई डी एक्स। ओके ये समझ आया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में करना है y की वैल्यू पुट करनी है। ओके तो y मेरा सिंपली क्या था y था मेरा y u डॉट v डॉट w यही था ना मेरा तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी मेरा y है यहाँ पे भी हम y की वैल्यू पुट करेंगे साथ में तो कितना आएगा u v w अपॉन में dx। ओके इतना मेरा आंसर मैच कर गया पीछे वाले से। अब देखो y की जगह कितना आएगा u डॉट v डॉट w ओके अपॉन में क्या रहेगा वन अपॉन u डी यू अपॉन डी एक्स। ओके प्लस वन अपॉन वी डी वी बाय डी एक्स प्लस वन बाय डब्लू डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। सिंपल अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू वी डब्लू ये टर्म आ गई मेरी। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई हर एक टर्म से हो जाएगी मेरी है ना तो यहाँ क्या आएगा देखो यू वी डब्लू वाई यू एंड डी यू अपॉन डी एक्स ये आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो क्या आएगा यू वी डब्लू वाई वी एंड डी वी वाई डी एक्स। सिंपल प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसे करेंगे क्या आएगा यू वी डब्लू वाई डब्लू डी डब्लू वाई डी एक्स। काफ़ी डब्लू डब्लू हो गया है। ओके अब देखो सिंपली क्या करना है इसमें थोड़ी सी काटा पीटी करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा यू वी डब्लू। ओके गुस्से में काट दो इसको इससे काट दिया मैंने इसको इससे काट दिया इसको इससे काट दिया सेम देखो क्या क्या बचा वी डब्लू इसको यू है तो आगे लिख देते हैं यू वाई एक्स नेक्स्ट क्या बचेगा वी डॉट डब्लू प्लस अगला क्या मेरा यू फिर डी वी वाई डी एक्स एंड डब्लू प्लस नेक्स्ट क्या है यू डॉट वी डॉट डी डब्ल्यू वाई डी एक्स ये आ जाएगा मेरा आंसर पीछे वाले से मैच करोगे सेम ही है। ओके तो हमने दोनों मेथड से इसको प्रूव करके दिखा दिया।